हरियाली अमावस्या पर शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने भगवान को मालपुए का भोग लगाया। नीमच शहर के बाजार में हरियाली अमावस्या पर मालपुए की खुशबू महकती रही। कमजाड़ा में हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में भगवान चार भुजानाथ का चल समारोह निकला। हरियाली अमावस्या पर भगवान चार भगवान ने नगर भ्रमण कर भक्तों को आशीर्वाद दिया। ढोल ढमाकों और बैंडबाजों के साथ निकले चल समारोह में शामिल आकर्षक फूलों से सजित रथ में भगवान चार भुजा विराजित थे। जगह जगह भक्तों द्वारा फूल बरसाए, गुलाल उड़ाई व कई प्रकार के स्टॉल लगाकर भक्तों ने स्वागत कर श्री चार भुजा नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी क्रम में कुक्कड़ेश्वर के मालवीय खाती पटेल समाज द्वारा श्री चार भुजा नाथ की शाही सवारी नगर में भ्रमण करवाई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और नगर के सभी मंदिरों में श्री चार भुजा नाथ की पालकी के साथ महाआरती कर प्रसाद वितरण की गई। कंजाड़ा चौकड़ी से लगे 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित श्री झारणेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां एक के बाद एक सौंदर्य सुंदर झरने बह रहे हैं और दूर दराज से पर्यटक अपने परिवार सहित आते हैं और झरणेश्वर महादेव के दर्शन कर घूमने का आनंद लेते हैं। अगर झरणेश्वर महादेव तक चौकड़ी से डामरीकरण सड़क बन जाती है तो इस क्षेत्र में तो ठीक है, पर जिले भर में इतना बढ़िया पर्यटक स्थल देखने को नहीं मिलेगा और अच्छी सड़क होने से पर्यटकों को आने जाने में सुविधा होने से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। और कुक्कड़ेश्वर से लगभग 18 किलोमीटर पर घने जंगल के बीच में भगवान नरसिंह जी का 12 अवतार दार्शनिक मंदिर है, जहां पर भी पर्यटक आते जाते रहते हैं, जहां सौंदर्य प्राकृतिक रूप देखने को मिलता है। इसी के साथ कुक्कड़ेश्वर से 3 किलोमीटर दूरी पर विराजित श्री चमत्कारी हनुमान जी महाराज का पौराणिक व दिव्य मंदिर है। आज अमावस्या के शुभ दिन पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिला और रामपुरा क्षेत्र से लगा केदारेश्वर महादेव का पर्यटक स्थल, जहां पर आज मेला लगता है और पर्यटक दूर दराज से बड़ी संख्या में उपस्थित होकर झरने में नहाने का आनंद लेकर श्री केदारेश्वर भगवान को दर्शन कर अपने जीवन का उद्धार हो ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुक्कड़ेश्वर से नरेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।